नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू महेंद्रागुरु.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द डिजिटल गुरु क्लासेस फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस एंड यस दिस इज द सेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेन्स। तो आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ सेल्फ सफिशियंट क्लास। इफ यू स्टडी दिस सेशन वेरी केयरफुली देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक प्लेन्स वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी करेक्टली इन योर एसएससी एग्जामिनेशंस। कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो जल्दी से उसको या फिर जैसे ही सेशन चलता रहेगा उसको अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसका आंसर करना या फिर डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग टू देम। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, सभी डिजिटल गुरुजी के क्लासेस को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ क्योंकि बहुत जल्द एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे सरप्राइज हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसके तहत इफ़ यू लुक ऑल दी सेशंस वेरी केयरफुली, अगर आप सभी सेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके नाम को मिलेगा एक पहचान और बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म में शायद आपको मिले आपके चेहरे को एक पहचान। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा क्लासेस के साथ और डिजिटल गुरुजी के सभी क्लासेस को, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, सभी क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उनके क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तो बिल्कुल यहाँ पे सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक दिन ज्योग्राफी का क्लास मिस हो गया था, कोई बात नहीं, ड्यू टू सम इश्यूज आज हम उसको जरूर कवर अप करेंगे और सारे टॉपिक्स को यहाँ पे बिल्कुल इन डिटेल हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन हियर, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन हियर। और प्राइस वगैरह के बारे में बिल्कुल इन डिटेल सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अभी आपको क्या रखना है, सरप्राइज को सरप्राइज रखना है। अभी अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट? तो इसीलिए लेट्स कीप इट अ सीक्रेट, लेट्स कीप इट अ सरप्राइज, फाइन? सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्लेन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजियोग्राफिक डिविजन्स में अबाउट दी माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी प्लेन्स। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइन? ओके, देखिए सबसे पहले बचपन के पिक्चर को एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। माउंटेन्स है, माउंटेन्स से निकल रही है नदियाँ, राइट? माउंटेन्स से क्या निकल रही है, रिवर्स, वही बचपन वाला पिक्चर। अब देखिए, अब इस पिक्चर में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। दिव्या सिंह अबाउट करंट अफेयर्स, ओके, विल थिंक अबाउट इट, लेट्स कंसंट्रेट ऑन ज्योग्राफी नाउ, फाइन? यहाँ पे माउंटेन्स से देखिए रिवर्स को, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, प्लीज ट्राई टू कमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, एल्स आई माइट गेट अ बिट डिस्ट्रैक्टेड एंड डाइवर्टेड, सो डू नॉट डाइवर्ट एनी बडी एंड लेट्स कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक इन हैंड, दैट इज प्लेन्स, ओके? इन द एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक देन वी विल डेफिनेटली कम टू दैट, डोंट वरी, फाइन? ओके, सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन प्लेन्स नाउ। माउंटेन्स है, बचपन का डायग्राम में माउंटेन्स था, वहां से निकल रहा है रिवर्स, वहां से क्या निकल रहा है, नदी निकल रहा है। नाउ When the river is cutting the mountains, when the river is cutting the mountains, तो ये जो सारा sand लेके आया है, ये जो सारा deposit लेके आया है, वो उसका क्या करेगा, कहाँ तक लेके जाएगा? जो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वो तो चलिए यहाँ पे ही छोड़ दिया उसने, फिर कैरी करके लेके आया, और एकदम जो छोटे छोटे पत्थर थे, जो लास्ट में पत्थर भी नहीं, कंकर भी नहीं, सैंड, एकदम माइन्यूट एल्यूवियल सॉइल जिसको आप बोलते हैं, एकदम जो लास्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लास्ट तक वो कैरी करके लेके आया, और लास्ट में कैरी करके लाके उसने यहाँ पे क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया, और बीच में साइड साइड में कुछ लोकेशंस में वो क्या बनाता है, प्लेन्स वगैरह बनाता है। तो बिल्कुल बचपन का बेसिक माउंटेन्स है, माउंटेन से नदी निकला और नदी ने क्या बनाया है, प्लेन्स बनाया है। सो टुडेज टॉपिक इज प्लेन्स। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल एज अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, वी विल बी डिस्कसिंग बोथ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, फाइन? सो लेट्स कंसंट्रेट एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते। डिस्कस किया था माउंटेन्स के बारे में, तीन लेयर्स में हमने इसका डिस्कशन किया था, नंबर वन ट्रांस हिमालयाज, नंबर टू हिमालयाज एंड नंबर थ्री पूर्वांचल। फिर पूर्वांचल से क्या हुआ, अरकन योमा रेंज से एक्सटेंड होके यहाँ पे बना हमारा अंडमान एंड निकोबार वोल्केनिक माउंटेन्स, फाइन? अब किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन माउंटेन्स से निकली हुई रिवर्स ने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे बना दिया है प्लेन्स,
फाइन, इन माउंटेन्स से निकली रिवर्स ने यहाँ पे बना दिया है प्लेन्स. विशाल, डू नॉट वरी अबाउट सॉइल, ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग एज वी विल प्रोसीड. फाइन, अब यहाँ पे इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज ने मिलके जो डिपॉजिट्स लेके आया था वहां से बना एक प्लेन, दैट इज इंडस प्लेन. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नंबर टू गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यमुना गंगा प्लेन्स, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन. बहुत से बुक्स में आपको दो डिवीजन मिलेगा, एक डिवीजन मिलेगा आपको इंडस का और दूसरा डिवीजन मिलेगा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ, लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट्स में उसका बेसिकली डिस्कशन करेंगे, इंडस सेपरेटली, गंगा सेपरेटली एंड ब्रह्मपुत्र सेपरेटली. फाइन, सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. First of all, we are going to talk about the Indus Ganga Brahmaputra plain. That is, we are going to discuss about the overall plains. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं? About the overall plains. Sunaina, the difference between Himalaya and Trans-Himalaya, already I have discussed in the mountains topic, in the Himalayas topic. So, you look at that video for better understanding. Here, in short, I'll tell you, Pamir North से ये range आपका एक तो पाकिस्तान की तरफ गया था, एक तो आपका गया था इंडिया की तरफ, राइट. अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, दैट इज ट्रांस हिमालयस, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर बेसिकली हिमालयस. फॉर रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर को आप जरूर देखिए. फाइन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स. में प्लेन कौन सा फिजियोग्राफिक डिविजन है? हिमालयस खुद तो बाद में बने, है ना, हिमालयस का बनने का जो प्रोसेस था वो तो खुद ही बाद में बने. तो उसके बाद जो वहां से नदी बनता गया और नदी बनने के बाद जो लास्ट वहां पे डिपॉजिट्स हुए जिसको हम बोलते हैं प्लेन्स, दे आर देयरफॉर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर. दैट इज सबसे नया कौन है? सबसे नया प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, सबसे नया कौन है? सबसे नया है आपके प्लेन्स. फाइन, सबसे नए हैं आपके प्लेन्स. नाउ एक्सटेंड कहां से कहां तक ये एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड करता है 2400 किलोमीटर. दैट इज रिवर विल बी कंप्लीटेड इन अनादर लेक्चर. इन द ड्रेनेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल. शमी मिश्रा, इस लेक्चर में पूरी तरीके से रिवर्स कवर नहीं होंगे आपके. प्लेट्यूज के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर रिवर्स. नाउ यहां पर हम बात कर रहे थे अबाउट दिस एक्सटेंड 2400 किलोमीटर. देखिए यहां से नंबर वन से यहां तक जो ये एक्सटेंड है विच इज येलो इन कलर राइट नाउ, दिस एक्सटेंड इज योर 2400 किलोमीटर. इस बारे में बात हो रही. नेक्स्ट कहां से कहां तक एक्सटेंड किया? सतलज से गंगा तक एक्सटेंड किया. सतलज टू गंगा डेल्टा, जो आपका सुंदरबन डेल्टा लास्ट में बनाती है, वहां तक एक्सटेंड किया. एंड लास्ट कैसे बना, हाउ इज इट फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस डिपोजिशनल वर्क ऑफ हिमालयन रिवर्स. हिमालय से जो नदियां निकलती है वो अपने आसपास जो डिपॉजिट करती है उसके तहत यहाँ पे प्लेन्स बनता है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. क्या यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बिल्कुल बेसिक प्लेन्स है. वॉट, हाउ, वाई, तो दैट क्वेश्चन आर आंसर्ड इन दिस बेसिक कंसेप्ट. फाइन, आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए ताकि हम इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ सके. 2400 किलोमीटर, येस 2400 किलोमीटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज दिस एक्सटेंड. यहाँ पे सतलज से लेके जो गंगा का हम लोग एक्सटेंड को कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेसिकली योर 2400 किलोमीटर. ओके फाइन, क्लियर है. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और क्या होगा. फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. येस चिन्मय, सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा. बिल्कुल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए. यहाँ पे आंसर क्या होगा? जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय. जो नॉर्दर्न प्लेन्स में सॉइल्स है, इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर कोई डाउट है उसे भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सॉइल है वो किससे बना है? नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली किससे बना है? वॉट इज द टर्म यूज्ड? डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन, वेदरिंग इन सीटू और इरोजन. क्या होगा आंसर? यहाँ पे कुछ लोगों ने डिग्रेडेशन आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर वन. स्नेहा, अनुराधा, ऑप्शन नंबर वन आप लोगों ने यहाँ पे आंसर किया. देखिए नीति कुमारी, सी वॉट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन का मतलब होता है इसको जो कट कर दिया या फिर कोई चीज ब्रेक डाउन हो गया, इरोजन हो गया, दोस काइंड ऑफ थिंग्स जिससे चीजें टूटती है, दैट इज डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन हुआ, बट प्लेन्स बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? वही डिग्रेडेड चीजों को
आगे जाके ऐसे एकजुट होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे सॉइल 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 सॉइल्स, जहाँ पे आगे जाके क्या होना पड़ेगा, वही जो डिग्रेडेड मटेरियल होगा दैट हैज़ टू बी एग्रेडेड अगेन, दैट हैज़ टू बी एक्यूमुलेटेड अगेन। दोबारा से अगर एक्यूमुलेशन होगा तभी वो प्लेन्स कहलाएगा, नहीं तो वो बह के चला जाएगा नदी में, वो डेल्टा में जाके आगे जाके वो नदी में गिर जाएगा, वो समुंदर में पानी के साथ गिर जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि डिग्रेडेशन तो हुआ, लेकिन डिग्रेड होने के बाद, इरोड होने के बाद, कोरोड होने के बाद वही चीज़ें वापस से क्या हुआ, एग्रेड हुआ, वापस से एकजुट हुआ, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्यू टू एग्रेडेशन। यहाँ पे जो डिग्रेडेड मटेरियल है उसका पहले एग्रेडेशन होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी नोन एज प्लेन्स, राइट। नहीं तो सब सामान बह के कहाँ चला जाएगा, समुन्द्र में चला जाएगा। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते। अच्छा, वेदरिंग इन सिटू, वेदरिंग इन सिटू मतलब वही पे, कोरोड होके कहीं बह के गया नहीं, कोरोड होके वही पे रह गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूर तो बह के आया, थोड़ी दूर को बह के आया, इसीलिए। अब व्हाट आर द डिविजन्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग वेरी सून, फाइन। नाउ द नॉर्थ टू साउथ डिविजन, देखिए ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, इस डायग्राम से ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक हिल रेंजेस है, एक माउंटेन्स है, वहाँ से रिवर गया, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दो ये बहुत ज़्यादा बचपन वाला डायग्राम लग रहा होगा, बच्चों वाला, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। रिवर ऐसे पहाड़ से निकला, अब देखिए क्या होगा, इसने जो भी एक्यूमुलेशन किया था, स्टोन्स का, पेबल्स का, जो भी इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया था, उसमें जब वो नया नया माउंटेन से निकलता है, देन द रिवर हैज़ अ लॉट ऑफ स्पीड इन इट, इट हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ स्पीड, तो इन सब चीज़ों के साथ इसने काट के निकाल तो लिया, इरोड तो कर दिया, कोरोड तो कर दिया, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता, इसको आगे लेके नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, उसको यहीं पे डिपॉजिट कर देगा कि तुम यहीं रहो, मैं नदी में आगे चलता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करेगा, उसको वहीं छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, फाइन। अब देखिए एनर्जी थोड़ा आगे चलते चलते थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे कंपेरेटिवली कम हुआ, तो जो नेक्स्ट लेवल के पार्टिकल्स थे ना, उससे जो थोड़ा सा कम लेवल के पार्टिकल्स थे, उसको भी क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट लेवल के पार्टिकल्स थे उसको भी यहाँ पे साइड साइड में छोड़ दिया कि अब तुमको भी नहीं लेके जाया जा रहा है और आगे, एनर्जी और कम हो गया, तुम भी यहीं पे रह जाओ। थर्ड स्टेज, इरोजन इज बेसिकली द कैरिंग अवे ऑफ द मटेरियल्स, पानी के साथ साथ जो ये मिट्टी वगैरह को साथ में लेके आया है, दैट इज योर इरोजन। नाउ अब आगे क्या होगा, इस तरीके से एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लास्ट में नदी कहाँ तक पहुँच जाएगा, डेल्टा तक पहुँच जाएगा, नदी यहाँ पे डेल्टा बना लेगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा, जब वो डेल्टा बना लेगा। नाउ यहाँ पे जो ध्यान देने वाला बात है, ये पथरीला ज़मीन था, आपने देखा कि यहाँ पे पत्थर पत्थर कर दिया था नदी ने सारा, सो दिस पार्ट इज बेसिकली रॉकी, दिस पार्ट इज रॉकी, पथरीला ज़मीन है, इतना ज़्यादा पथरीला कि नदी भी क्या हो गया, अंदर, नदी भी पत्थर के अंदर से या फिर लैंड के अंदर से चला गया, आपको रिवर भी लैंड के ऊपर हो सकता है नहीं दिखे, हो सकता है यहाँ पे रिवर भी नदी के ऊपर ना दिखे, वो भी क्या हो जाएगा, रिवर भी क्या होगा, लैंड के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, फाइन। अब जो यहाँ पे स्टेज नंबर टू है, स्टेज नंबर टू में वापस से आपको यहाँ पे रिवर दिखने तो लगेगा, लेकिन वहाँ पे जमीन जमीन भी होगा, रिवर रिवर भी होगा, सो दैट पार्ट इज बेसिकली योर मार्शी, ये पार्ट क्या हो जाएगा, मार्शी हो जाएगा, मतलब पानी पानी है और जमीन जमीन भी है, दलदल टाइप्स थोड़ा सा यहाँ पे, दो नॉट एग्जैक्टली दलदल, बट वाटर, नदी रिसेंटली बस निकल रहा है, लेकिन उसके नीचे जो है दैट इज लैंड। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे स्टेज नंबर थ्री होगा, दैट इज अ रीजन जहाँ पे पहले नदी इस तरीके से बहती थी, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि नदी अपना कोर्स आजकल क्या कर रहा है, कम कर रहा है, राइट। तो वो क्या हो गई, पतली हो गई, तो बाद में ये पार्ट में ओल्ड एलुवियल था, ओल्ड एलुवियल, और यहाँ पे जब नदी पतली हो गई तो आगे इस रीजन में क्या होगा, न्यू एलुवियल। एकदम सिंपल टर्म्स में इसको समझ लिया, तो एकदम सिंपल टर्म्स में अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा।
ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. यहाँ पे ये एकदम सिंपल सा एक डायग्राम था. नाउ इसी डायग्राम को नाम दे दिया गया, बस नाम दे दिया गया और कुछ नहीं. जो ये नंबर वन था, जो ये नंबर टू था, नंबर थ्री था और नंबर फोर, डेल्टा से पहले नंबर फोर, नंबर फाइव यू कैन कॉल इट एज डेल्टा, फाइन. इसी को बस नामकरण कर दिया गया, बस नेमिंग दे दिया गया. नाउ नंबर वन इज योर भब्बर, बी यहाँ पे कभी कभी भब्बर भी बोला जाता है, दैट इज भब्बर भी उसको बोला जाता है. नंबर वन इज भब्बर, याद रखने के लिए याद रखिएगा पथरीला जमीन है, सो दैट इज गब्बर का भाई भब्बर, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट ऑल्सो. ओके, नाउ भब्बर में क्या होता है, भब्बर में रॉकी लैंड था, पत्थर पत्थर था, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज बेसिकली मेड ऑफ रॉक्स, दैट इज रॉकी. अब हाई पोरोसिटी, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए नदी भी क्या होता है, ज़मीन के अंदर धंस जाता है, ज़मीन के नीचे से बहता है. सो ऑल दी स्ट्रीम्स डिजेपियर, मतलब ज़मीन के ऊपर हो सकता है नदी नहीं दिखे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ज़मीन के नीचे से बहेगा, दे विल डिजेपियर. नंबर टू, नंबर वन इज भब्बर. अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, यहाँ पे पथरीला ज़मीन है तो एग्रीकल्चर तो यहाँ पे होगा नहीं. सो दिस लैंड इज नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. लेट्स प्रोसीड फॉर आगे. नंबर टू, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट तराई. तराई वो रीजन है जब पहाड़ को, यहाँ से नंबर वन वॉज योर भब्बर, जहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे डिपॉजिट्स कर दिया था. नंबर टू, जब वो आगे बढ़ा तराई, देन द रिवर रीअपियर्ड, रिवर दोबारा से ज़मीन के ऊपर दिखने लग गया. पोरोसिटी इज बेसिकली, यहाँ पे नितीश कुमार पोरोसिटी हम इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इसने सारे रिवर के वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया और अपने अंदर धंसा दिया. ओके, दैट इज द मेन थिंग. नेक्स्ट, तराई के बारे में अगर हम लोग बात करें, देन तराई रीजन कौन सा रीजन है, जहाँ पे दोबारा से रिवर री इमर्ज हुआ, दैट इज दोबारा से रिवर लैंड के ऊपर दिखने लगा. दोबारा से यहाँ पे रिवर क्या हो गया, लैंड के ऊपर दिखने लगा. फाइन, अब क्या होगा, द स्ट्रीम री इमर्ज, गायब हो गया था भब्बर में, री इमर्ज हो गया तराई में. अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया वाटर मिल रहा है स्ट्रीम्स के वजह से, और यहाँ पे एलुवियम भी डिपॉजिट हो रहा है. पहले तो रॉकी रॉकी डिपॉजिट हो रहा था, अब यहाँ पे एलुवियम भी डिपॉजिट हो रहा है. देन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड एलुवियम डिपॉजिट्स, बिकॉज ऑफ एटलीस्ट कंपेरेटिवली बेटर एलुवियम डिपॉजिट, यहाँ पे जो आपके मार्शी एरियाज में क्या होगा, थिक फॉरेस्ट होगा. थिक फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉरेस्ट होगा. अब साथ ही साथ क्योंकि बहुत अच्छा फॉरेस्ट है तो बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ होगा, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है तो बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ होगा. लेकिन मिट्टी भी था, पानी भी था, याद कीजिए, इसीलिए डैम्पनेस, मतलब डैम्पनेस ज़्यादा, पानी पानी वहाँ पे फील होगा, डैम्पनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा. फाइन, सो कैन यू कन्वर्ट इट इंटू एग्रीकल्चरल लैंड, इज इट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. अगर बात किया जाए, दिस इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल एग्रीकल्चरल लैंड, बट इट मे बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल लैंड. इनफैक्ट जब आपके पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, जब आपका पार्टीशन के टाइम के बाद यहाँ वहाँ से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गया था, एंड बिकॉज वहाँ पे लोगों ने उस एरिया को क्या कर दिया है, एट प्रेजेंट हैबिचुअल हैबिटेट बना दिया है, घर बनाने वहाँ पे लोग लग गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया, और फॉरेस्ट को कट डाउन करके यहाँ पे मैक्सिमम लैंड का एट प्रेजेंट जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर. फाइन, बट अदरवाइज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट था और बहुत बढ़िया यहाँ पे वाइल्ड लाइफ था. क्लियर है, आगे बढ़ते. तो एग्रीकल्चर कहाँ नहीं होगा, भब्बर में बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं होगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट बांगर. बांगर देखिए, आपने एक सीमेंट कंपनी का नाम भी सुना होगा, इससे मिलता जुलता. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द बांगर. जो बांगर पार्ट है, दैट इज योर ओल्ड एलुवियम. ओल्ड एलुवियम क्या होता है, और एलुवियम और एलुवियल क्या होता है, आप एलुवियम को एलुवियल बोल के ही समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कंसिडर एलुवियम एज एलुवियल इट्सेल्फ, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली फाइन. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, एलुवियम, येस इट कैन बी टेकन एज एलुवियल एज वेल, दैट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बट दैट्स फाइन. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका एलुवियल ट्रेसेस है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को. मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से बह रहा था, नंबर वन स्टेज में. नंबर टू,
अब ये ऐसे बहने लगा. दिस वॉज स्टेज वन, दिस वॉज स्टेज टू. अब स्टेज वन में तो देखिए यहाँ पे उसने एलुवियल डिपॉजिट किया था, बट स्टेज टू में क्या होगा, ये यहाँ पे डिपॉजिट करेगा जो येल्लो मार्क है. जो पार्ट वन था वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगा, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगा. सो ये पार्ट ओल्ड एलुवियल हो जाएगा. दिस पार्ट विल बी ओल्ड एलुवियल एंड दिस पार्ट विल बी योर न्यू एलुवियल. नदी पहले ज़्यादा एरिया से बहती थी, अब उसने क्या किया, एरिया कम कर दिया. तो पहले जहाँ तक नदी बहती थी दैट इज़ योर ओल्ड एलुवियल एट दिस प्रेजेंट. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बांगर मिला जाएगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, आई विल डेफिनेटली कम टू दैट. अब अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट दी बांगर, तो यहाँ पे कंकर पाए जाते हैं. आप लोग बोलते हैं ना खाने में कंकर है, फिर कंकर पाए जाते हैं. कंकर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ कैल्शेरियस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ कैल्शियम समझ लीजिए. ठीक है, कैल्शियम जैसा वाइट वाइट कलर का जो आपके पार्टिकल्स होता है जिसके अंदर कैल्शियम्स भी होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कंकर कहलाते हैं, जिसका मेन कॉम्पोजिशन इज योर कैल्शियम. फाइन, अब यहाँ पे जो कंकर पाए जाते हैं या फिर कैल्शियस कॉन्सेंट्रेशन होता है, नॉट 100% कैल्शियम, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पाए जाते हैं, वो बेसिकली यू कैन कॉल इट एज इम्प्यूरिटी एज वेल. तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें पाए जाते हैं इस बांगर लैंड पे, तो यहाँ से इसीलिए सीमेंट सीमेंट कैल्शियम विल बी रॉन्गली यूज्ड. कैल्शियम यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे. ओके, आई विल नॉट यूज कैल्शियम, दैट विल बी रॉन्गली यूज्ड. एक्चुअली सीमेंट, सीमेंट इज द करेक्ट वर्ड. सीमेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे पाया जाएगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे बात करते हैं खादर के बारे में. खादर क्या है, जो न्यू एलुवियल था यहाँ पे जिसको हमने मार्क किया था, दैट इज योर खादर. क्योंकि यहाँ पे न्यू लेयर ऑफ एलुवियम सॉइल होगा, इसीलिए दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर. खादर में सबसे अच्छा आपका एग्रीकल्चर किया जा सकता है. फाइन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, अमित सिंह, सी रबी एंड खरीफ, दो वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए. खरीफ क्या होगा, खरीफ वो क्रॉप्स होंगे जो गर्मियों में उगेगा. फॉर एग्जाम्पल बोल दीजिए आप, क्या हो सकता है, राइस हो सकता है, खरीफ गर्मियों में उगेगा. ओके, और रबी क्या होगा, जो सर्दियों में उगेगा. ठीक है, इतना सिंपल आप उसको मान लीजिए. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. वो डिविजन था विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीफ फीचर, और ये डिविजन है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और लोकेशन. ठीक है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी राजस्थान प्लेन्स. ओके, क्या पूरा का पूरा राजस्थान प्लेन है, या क्या पूरा का पूरा राजस्थान में फर्टिलिटी है, क्या वहां पे कोई कल्टीवेशन होता है. यहां पे राजस्थान में ऐसे एक मैप है, ऐसे एक माउंटेन रेंजेस है. कौन से माउंटेन रेंजेस है राजस्थान में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है दैट इज योर अरावली. अरावली है राजस्थान में, कौन से माउंटेन रेंजेस है, अरावली. अब वहां से एक नदी भी निकलती है, कौन सा नदी निकलता है, इस तरीके से वहां से निकलता है रिवर लूनी. अब रिवर अगर निकल रहा है, अब अगर रिवर निकल रहा है तो रिवर अपने साथ साथ फर्टाइल ट्रैक्स को भी लेगा. अरावली लूनी फर्टाइल ट्रैक्स भी होंगे वहाँ पे. तो क्या वहाँ पे फर्टाइल ट्रैक्स, फर्टाइल कोई ज़मीन है, तो यस वहाँ पे फर्टाइल ज़मीन है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है. पूरा का पूरा राजस्थान बंजर ज़मीन नहीं होता है. लूनी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे फर्टिलिटी है. अब चले इसी डायग्राम को, इसी गोले को मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि बेटर विजिबिलिटी हो. अरावली था, अरावली से लूनी है, बट लूनी जो है ना, लूनी गल्फ ऑफ कच्छ में जाके ही खत्म हो जाती है. दिस इज द ओनली इनलैंड रिवर, ये जाके किसी नदी में मिलती नहीं है, ये अरावली में जाके नहीं मिलती है. फाइन, ये आपका, सॉरी अरावली नहीं, कहाँ कहाँ पे, अरबियन सी में, ये अरबियन सी में जाके नहीं मिलती है. दिस इज द ओनली इनलैंड रिवर इन इंडिया. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों नहीं होता. वेरी गुड, ओरोग्राफिक रेनफॉल इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो इससे पैरेलल निकल जाती है, इस तरीके से वो निकल जाती है, निकल के आगे कहाँ पहुँचेगा, राजस्थान.
राजस्थान से होते हुए निकला, लेकिन कहाँ पहुंच गया? पंजाब पहुंच गया, पंजाब में रेनफॉल कर दिया। देखिए इस तरीके से जाके पंजाब में रेनफॉल कर दिया, लेकिन राजस्थान में रेनफॉल नहीं हुआ क्योंकि अरावली ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। अरावली पैरेलल थी, तो अरावली से पैरेलल निकल गया और कोई रेनफॉल राजस्थान में नहीं हुआ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देने वाला है, दैट इज ये जो पार्ट है लूनी है, उसके बाद वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका डेजर्ट होता है। वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट होता है इस पार्ट में। ओके, इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? डेजर्ट्स मिलेगा इन द वेस्ट पार्ट। दैट इज इस मैप के रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ, इस मैप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आगे जाके आपको डेजर्ट्स मिलेगा। फाइन, अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर देन यू मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर। जब पहाड़ से टकरा के बारिश होता है, देन दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल इन सिंपल वर्ड्स, एंड दिस साइड विल बी नोन एज विंडवर्ड और रेन फेड, एंड दिस साइड विल बी नोन एज लीवर्ड और रेन शेडो। जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, देन डू वॉच इट अगेन। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बात करते हैं राजस्थान प्लेन्स के बाद। एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज योर राजस्थान प्लेन, दिस इज योर पंजाब प्लेन, जहाँ पे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मिलके इन प्लेन्स को फर्टाइल बना रही है। नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, अपर गंगा नंबर वन, मिडिल गंगा नंबर टू एंड लोअर गंगा नंबर थ्री। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थ्री पार्ट्स में यहाँ पे डिस्कशन होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नंबर वन, राजस्थान प्लेन्स। क्या लैंड फर्टाइल है? बिल्कुल है। सॉइल जो है राजस्थान का बहुत फर्टाइल है, तो फिर एग्रीकल्चर क्यों अच्छे से नहीं हो सकता है? द रीजन इज नो रेन। वाई नो रेन? नो रेन बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून रन पैरेलल टू द अरावलीज। अरावलीज से मानसून पैरेलल निकल जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है। एंड क्योंकि पैरेलल निकल जाती है इसलिए बारिश कहाँ होगा? पंजाब में बारिश हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून से, बट नॉट इन राजस्थान। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम लोग मैराइन एरियाज के आसपास देखें, तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या होता है? सेलाइन लेक पाए जाते हैं, दैट इज सॉल्ट वाटर लेक पाए जाते हैं। साथ ही साथ नोट करने वाला बात यह भी है, कोल रिजर्व्स, गैस, सॉल्ट एंड कैल्शियम रिजर्व्स भी यहाँ पे पाया जाता है। फाइन, राजस्थान प्लेन्स। ओके, आई ड्रॉ दी डायग्राम अगेन, डोंट वरी। अरावलीस रिवर लूनी फर्टाइल प्लेन्स होगा यहाँ पे, ऊपर गंगा सागर रीजन होगा, और अगर हम लोग बात करें एक्सट्रीम एंड्स पे, या फिर वो एंड जो समुंदर के आसपास है नियर दी सी, देन वहाँ पे सेलाइन लेक, कोल, गैस, सॉल्ट वगैरह भी वहाँ पे पाया जाएगा। फाइन, बिकॉज ऑफ नो ऑब्स्ट्रक्शन दी विंड्स विल रन पैरेलल और कोई रेनफॉल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोकल टर्म्स जो एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर वन, ध्रियांस। ध्रियांस क्या होता है? शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज ध्रियांस। राजस्थान में एक सैंड ड्यून्स आप यहाँ पे है, और लेकिन सुबह के टाइम पे आप देखेंगे कि कहीं और वो सैंड ड्यून चला गया, पहुंच गया। ठीक है, इट कैन हैपन ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स, बट दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज ध्रियांस। रोही क्या होता है? फर्टाइल ट्रैक इन राजस्थान इज नोन एज रोही। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है? थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट? देन योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, जोधपुर में ये प्रेजेंट है। फाइन, आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, इंडियन डेजर्ट को किस नाम से बोला जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर दीजिए। अमन श्रीवास्तव, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड विल एट वन टाइम मेक योर ड्यून्स, दैट इज सैंड ड्यून्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड। देखिए, गोभी कहाँ पे बोला जाता है? चाइना और मंगोलिया के बीच, चाइना मंगोलिया, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है आपका गोभी। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सहारा डेजर्ट के बारे में, तो बेसिकली अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका में
इनफैक्ट आज ही का ये न्यूज़ है कि सहारा में लगभग 40-50 लोग एक ट्रक में जा रहे थे, अब रास्ते के बीच में फंस गए तो उन लोग का डेथ हो गया, ये आज ही का न्यूज़ है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का कमी है ऑब्वियसली, सिंस अमंग द हॉट डेजर्ट सहारा इज़ द हॉटेस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ऐसे लोगों के मौत भी हो जाते हैं रास्ते में चलते चलते, राइट। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थार डेजर्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन इंडिया कैन मशरूम रॉक बी फॉर्म। सबसे पहले तो मशरूम दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है मशरूम, तो इस तरीके के रॉक इंडिया में कहाँ फॉर्म होता है। मशरूम रॉक इज अ फीचर ऑफ, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट या फिर सतपुड़ा। देन दिस अगेन इज अ कंसेप्ट ऑफ थार डेजर्ट, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थार डेजर्ट। डेजर्ट्स में क्या होता है, विंड्स ऐसे जाते रहते हैं ना, विंड्स जाके एक टाइम पे इस तरीके के डिपॉजिट्स बना देते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, थोड़ा सा ऊपर से ही विंड जाता है, दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर फॉर्म ओवर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं इस तरीके के डिपॉजिट्स बनने के लिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स, दैट अपीयर्स टू बी द शेप ऑफ अ मशरूम बेसिकली। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अबाउट लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल के बारे में, तो बात क्या कहाँ पे पाया जाता है, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट्स में लेटराइट सॉइल पाया जाता है, व्हाट विल बी द आंसर, हरियाणा एंड पंजाब में, क्या नहीं, वहाँ पे तो अच्छा चावल गेहूँ उगता है तो फिर वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाएगा। अगर हम बात करें गुजरात एंड राजस्थान के बारे में, तो लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल इज बेसिकली रिच इन आयरन, रेड कलर का होता है, आयरन रिच होता है। और अगर आपको यहाँ पे हिंट चाहिए तो यहाँ पे कैश्यू उगेगा, कैश्यू उगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाएगा, नॉट इन डेजर्ट्स, येस सम ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे रबर उगेगा, कैश्यू उगेगा। देखिए इन क्वेश्चंस का भी जवाब आपको यहाँ से मिल जाता है, लेटराइट सॉइल जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, रेनफॉल विल बी वेरी हाई, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होंगे, सो दे विल बी बेसिकली रेडिश इन कलर, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ओके, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट स्टिल रबर या फिर कैश्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें, काजू के बारे में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से उगता है। येस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, इंडियन डेजर्ट में एक इम्पॉर्टेंट रिवर का आपको नाम बताना है। ऑलरेडी हमने बताया था अरावली से निकलने वाला एक इम्पॉर्टेंट रिवर, दैट इज ऑल्सो द इनलैंड रिवर, ऑल्सो द इनलैंड रिवर, उसके बारे में आपको बताना है। देन वॉट विल बी द करेक्ट आंसर, यह द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिवर लूनी। अगर हम नर्मदा एंड तापी के बारे में बात करें, तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे, नर्मदा तापी यहाँ से निकलती है और इधर से जो चार, जस्ट टू रिमेंबर आई एम ड्राइंग दिस रफ डायग्राम, यहाँ से आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इस तरीके से सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। लूनी कहाँ है, राजस्थान में है, और अगर हम ब्यास के बारे में बात करें, देन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में, ऊपर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में आप लाइन से याद रख सकते हैं, इंडस के बाद जे सी आर बी, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और लास्ट में सतलज। ये रिवर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आए दिन क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में याद रखिएगा झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इधर वेस्ट के तरफ याद रखिएगा नर्मदा, तापी, और इधर याद रखिएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से रिवर मिलके इस प्लेन्स को बनाती है, इंडस, रवि, ब्यास, सतलज। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, वैसे तो इंडस एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज आर मेकिंग अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन झेलम चिनाब का जो 80% है वो पाकिस्तान के तरफ होता है, फाइन, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इन रिवर्स को कंसिडर किया है। जो यहाँ पे सॉइल होगा वो होगा खादर,
अगर आपको याद होगा तो खादर वॉज द बेस्ट पॉसिबल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, अगर हम राजस्थान के सॉइल को छोड़ दें, अदरवाइज राजस्थान होता, बट क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं है इसीलिए हम लोग यहाँ पे खादर में या फिर पंजाब प्लेन्स में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे जो रिच फार्मर थे, यहाँ पे जो रिच फार्मर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जब ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था, हाई येल्डिंग वेराइटी सीड्स सस्ते में मिल रहा था, इरिगेशन का फैसिलिटी मिल रहा था, तो इन सब फैसिलिटीज़ का भरपूर यूज़ किया और करके ग्रीन रिवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पंजाब में उस टाइम सक्सेसफुल बना दिया। बट बाद में क्या हुआ, वेद प्रकाश, आई विल डेफिनेटली कम टू दोआब, डू नॉट वरी, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम हो गया। जब रूट्स को बहुत आसानी से ऊपर ही, जब प्लांट्स के रूट्स को बहुत आसानी से ऊपर ही पानी पानी या फिर खाना या फिर सब कुछ मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स, तो सारे मिनरल्स ऊपर की तरफ आने लगते हैं, वाटर के साथ साथ सब ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिसके वजह से एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सेलिनिटी इंक्रीज हो जाता है और वाटर लॉगिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। दैट्स व्हाई एट प्रेजेंट जो पंजाब का सिचुएशन है, अभी सॉइल इज नॉट दैट फर्टाइल एट दिस मोमेंट, और अभी उसका असर देखने को मिल रहा है, उस वक्त के ग्रीन रिवोल्यूशन का असर एट प्रेजेंट कई कुछ एरियाज में देखने को मिल रहा है। नाउ शोभा सिंह, आई विल कम टू दोआब। देखिए, बेसिकली दोआब इज एन उर्दू वर्ड, और दो का जो मतलब होता है, दो मीन्स टू, वॉट इज दो, टू, TWO2, ठीक है, और आब का मतलब होता है रिवर, आपका मतलब होता है रिवर, तो दोआब इज बेसिकली द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। वही अगर हम बात करें, लैंड ऑफ टू रिवर्स इज दोआब, और अगर हम बात करें पंजाब, तो पंजाब क्या हो जाएगा, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पंज मीन्स फाइव एंड आब मीन्स रिवर, ओके, तो दैट इज द मेन थिंग, दैट इज वॉट वी मीन बाई दोआब। नाउ अब अगर हम बात करें बिस्ट दोआब के बारे में, अबाउट प्लेट्यूस, द नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट प्लेट्यूस, निज़ाम अहमद, द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन प्लेट्यूस, फाइन। अब अगर हम बात करें अबाउट लगूंस, वी विल डिस्कस इन कोस्टल प्लेन्स, डोंट वरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द दोआब्स इन दिस पंजाब प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे पंज आब है, फाइव रिवर्स है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें द लैंड बिटवीन बियास एंड सतलज, या फिर देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, बिस्ट दोआब इज फॉर्म्ड बाय विच टू रिवर्स, बिस्ट दोआब कौन से दो नदी बनाती है, आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बिस्ट को बी यहां से उठाइए, एस यहां से उठाइए, बहुत सिंपल है, बिस्ट दोआब, ब्यास एंड सतलज, खत्म। नेक्स्ट बड़ी दोआब, ध्यान से देखिए क्या होगा, बड़ी बी और आर, बी फॉर ब्यास एंड आर फॉर रवि, चेस दोआब, सी फॉर चेनाब एंड जे फॉर झेलम, चेस दोआब, रेचना, रवि एंड चेनाब, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। और अगर हम बात करें सिंध सागर दोआब के बारे में, सिर्फ इसको आपको याद रखना है, बिकॉज सिंध सागर दोआब, झेलम, चेनाब एंड इंडस, तो इतने सारे दोआब का नाम आपको याद रखना ही नहीं है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अबाउट सिंध सागर दोआब, दैट इज झेलम, चेनाब एंड इंडस। वेद प्रकाश, अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, नॉर्मन बॉर्लॉन्ग विल बी योर आंसर, फाइन, बिकॉज ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बात करते हैं। इस मैप को थोड़े देर के लिए ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आगे आपका क्वेश्चंस निकलेगा, ध्यान से इस मैप को देखिए, आपको यहाँ पे गंगा दिख रही होगी, वी विल टॉक इन डिटेल इन द रिवर्स, रिवर्स का क्लास हम लोग यहाँ पे जब ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, गंगा, उससे पहले यमुना, ठीक है, यमुना को छोड़ दिया, अब मैं गंगा से बात करने जा रही हूँ, गंगा, कौन कौन सी नदियां यहां पे आके गिरी, ध्यान से देखिए, अगर गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ओके, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो ध्यान से देखिएगा, चंबल यमुना में जाके मिल रही है और बेतवा, सोन यहां पे किससे जाके मिल रही है,
गंगा से जाके मिल रही है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यारलंग जांगपो सांगपो उसके बाद यहाँ से नदी अंदर गया, यहाँ से नदी अंदर गया सांगपो, उसके बाद लोहित और यहाँ पे जो आपका नदी बना दैट इज ब्रह्मपुत्र। डिटेल्स में हम लोग जरूर बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना आपको फोकस करवाना चाह रहे हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं तो यहाँ पे इतना सारा क्या बनेगा, प्लेन्स बनेगा, यहाँ पे इतना सारा क्या बनेगा, प्लेन्स बनेगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। गंगा प्लेन्स के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। ऑलरेडी मैप में आपने देखा था तीन पार्ट्स में इसका डिवीजन किया था। ओके, तो अब उसमें से जो पार्ट नंबर वन है अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, फिर लोअर गंगा प्लेन। पार्ट नंबर वन के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन कौन सा रिवर्स था याद कीजिए, यमुना, गंगा, घाघरा, रामगंगा, ये फिर ऊपर की तरफ हो जाता है, उत्तराखंड में पड़ता है, और गोमती। अब ये भी डायग्राम में देखा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे याद आ रहा होगा। अभी हम बात कर रहे हैं यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा। अगर हम सीक्वेंस में देखें तो क्या होगा, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, फाइन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, दिस पार्ट। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज पाया जाता है। अगर हम अपर कोर्स के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा एग्रीकल्चर में कमी दिखता है कंपेयर टू द मिडिल पार्ट, क्योंकि अपर पार्ट में अगर हम उत्तराखंड में रामगंगा के आसपास का अपर पार्ट को फोकस करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, रॉकी लैंड ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रॉकी लैंड प्रॉपर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। वेद प्रकाश, द होल ऑफ ज्योग्राफी इज वेरी सिंपल, पूरा ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और हाँ बिल्कुल सही, साथ ही साथ सिर्फ मैप पे फोकस कीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर ज्योग्राफी विदाउट मैप्स कोई भी रटने का कोशिश करता है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेम थिंग अप्लाइज टू योर करेंट अफेयर्स ऑल्सो, अगर वहाँ पे भी आप बिना मैप का कंट्री कैपिटल सिर्फ याद करने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, बट प्रोसीड विथ अ मैप, अगर आप मैप के साथ प्रोसीड करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा नदी कहाँ से बह रहा है। सो मैप्स आर बेसिकली द मेन इंस्ट्रूमेंट टू क्रैक ज्योग्राफी क्वेश्चंस, फाइन। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द मिडिल पार्ट, मिडिल गंगा में क्या होता है। मिडिल गंगा वही पार्ट है जहाँ पे एंशियंट टाइम्स में आपका मगध वगैरह हुआ करता था, और यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज कोसी। जो एग्ज़ाम में एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए सौरो ऑफ बिहार किसे बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज देखिए कोसी में जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब पानी कितना है, एक ग्लास के अंदर कितना पानी है, एक नदी के अंदर कितना पानी है, जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, कोसी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और वो साथ ही साथ क्या करता है, सारा एलुवियल डिपॉजिट्स को अपने में भर भर के रखता है। अब देखिए यहाँ से वो बह रही थी, अब यहाँ पे तो उसने पूरा एलुवियल डिपॉजिट कर दिया, अब वो कहाँ जाएगी, अब उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, जैसा कि बांगर और खादर में हुआ था, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोसी ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, यहाँ तो एलुवियल डिपॉजिट हो गया तो उसने अपना कोर्स अब चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ दिस हाई वॉल्यूम, एंड सिंस द रिवर हैज चेंज इट्स कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं लोअर गंगा के बारे में, और लोअर गंगा में क्या होगा, व्हेन इट एंटर्स वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो मेन वर्ड आपको याद रखना है दैट इज मैंग्रोव्स, यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाएंगे, दैट इज प्लांट्स विथ फ्लोटिंग रूट्स, इनका जो रूट है वो पानी के ऊपर बेसिकली तैरता है, इनके रूट्स में छोटे छोटे एनिमल्स आके रह सकते हैं वहाँ पे, अपना एक वो इकोसिस्टम जैसा यहाँ पे पूरा बहुत बढ़िया सा क्रिएट होता है, और मैंग्रोव्स साथ ही साथ ओशंस के टाइड से भी मेन लैंड को प्रोटेक्ट करता है। सो मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। अबाउट गोमती,
I'm not getting the question of Ram Saran Singh. What are you trying to ask here? Gomti River, both different. I'm not getting an exact question. Please ask the exact question. What do you want to ask here? Okay, fine. Until then, don't worry. In the end also, we'll come to one question answer session. In the end, now let's proceed with this. यहाँ पे साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट स्पीसीज सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है दैट इज योर सुंदरी ट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस सुंदरी ट्री जो डेल्टा का जो नाम पड़ा दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा. साथ ही साथ एग्जाम के लिए एक और पॉइंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, सौरो ऑफ बंगाल क्या होता है, आंसर इज दामोदर. तो इस पूरे बात में से इन शॉर्ट जो दो पॉइंट्स आपको नहीं भूलना है दैट इज सौरो ऑफ बिहार इज कोसी एंड अगर हम बात करें सौरो ऑफ बंगाल के बारे में देन इट इज दामोदर. डू नॉट फॉरगेट दिस टू पॉइंट एंड वन मोर थिंग इज अबाउट द मैंग्रोव्स एंड सुंदरबन डेल्टा. दीज आर द मेन पॉइंट्स टू हाईलाइट. लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे रिवर दामोदर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में भी है, मैंग्रोव्स गुजरात में भी है और आपके जितने सारे कोस्टल एरियाज है उसके आसपास मैंग्रोव्स होने के चांसेस होते हैं. ओके नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए. सुंदरी ट्रीज बिकॉज दे हैव फ्लोटिंग रूट्स. ओके नेक्स्ट रिवर दामोदर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बिकॉज गेट फ्लडेड ऑफन हैविंग हैवॉक. गेट फ्लडेड यहाँ तक तो सही है कि यहाँ फ्लड यहाँ पे रिवर जो है करता है हर साल तो दिस पार्ट इज करेक्ट. इसके अलावा नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. वेरी गुड ऑप्शन नंबर नितेश दिव्यांशु अनुराधा ऑल द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर वन. सिंपल क्वेश्चन आगे बढ़ते. द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड. सुंदरबन में जिस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया. सो दिस अगेन मस्ट बी अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैंग्रोव्स. अभी अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. द नेक्स्ट इज असम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और द असम प्लेन्स. इसके बारे में अगर हम बात करें बेसिकली सांगपो एंटर्स अरुणाचल प्रदेश बट ओके वी विल सिंस वी आर नॉट स्टडिंग रिवर हियर सो वी विल कंसिडर एज ब्रह्मपुत्र हैज एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द टर्न और उस टर्न के बाद जब उसने अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया देन दिस रिवर विच इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अगर अदरवाइज लार्जेस्ट होता तो गंगा होता लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में मतलब कितना ज़्यादा पानी है इसके अंदर इस टर्म में बात हो रही है तो यहाँ पे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र द ओनली मेल रिवर क्योंकि इसमें पुत्र लगा हुआ है. ओके पुत्र मीन्स मेल रिवर. ओके अदरवाइज क्या होता है, रिवर्स आर बेसिकली फीमेल्स राइट. नाउ इस वजह से यहाँ पे हर साल क्या होता है, अगेन फ्लड्स होता है. फाइन लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में. सी टॉकिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. अभी सिंपल टर्म्स में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं. सिंपल टर्म्स में कोस्टल प्लेन्स यहाँ से यहाँ ये सब मिलके क्या हो गया, कोस्टल प्लेन्स क्योंकि इस तरफ समुंदर है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ समुंदर है अरेबियन सी तो यहाँ पे जो प्लेन्स होगा दैट इज बेसिकली योर कोस्टल प्लेन्स. ओके डू नॉट कन्फ्यूज दैट इफ समथिंग इज लेफ्ट हियर देन वी विल डेफिनेटली कवर अप इट इन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. एकदम शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे प्लेन्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं. कंसनट्रेट कीजिएगा. नंबर वन लेट्स टॉक अबाउट दी सिटीज. ओके फाइन इसी डायग्राम में आपको यहां पे चलिए बता देते हैं. नंबर वन दिस पार्ट इज बेसिकली गुजरात प्लेन जो फोकस अच्छा जूम कर देते हैं यहां पे फुल स्क्रीन हम यहां पे इसको कर देते हैं ताकि आप बेटर देख पाए. नंबर वन शेडेड पार्ट इज योर गुजरात प्लेन्स. नंबर टू गुजरात प्लेन्स के बाद जहाँ पे आपका गल्फ ऑफ खंबात स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर गल्फ ऑफ कच्छ. जहाँ से आपका गल्फ ऑफ खंबात स्टार्ट हो रहा है वहाँ से गोवा तक अप टू गोवा, वहाँ से गोवा तक आपका क्या होगा, कोंकण प्लेन. ओके गुजरात प्लेन उसके बाद कोंकण प्लेन. कोंकण प्लेन के बाद गोवा के बाद अगर हम इस पार्ट को देखें
वैसे पूरा पार्ट को अगर आप बोले तो आप मालाबार प्लेन्स बोल सकते हैं, लेकिन गोवा के बाद के पार्ट को सेपरेटली अगर हम बोले तो हम इसको बोलेंगे कन्नट प्लेन, कन्नट प्लेन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? कन्नट प्लेन। और जो लास्ट पार्ट रह जाता है, दिस लास्ट पार्ट इज नोन एज मालाबार प्लेन। मतलब सबसे पहले गुजरात प्लेन, फिर कोंकण प्लेन, फिर नंबर थ्री कन्नट प्लेन, एंड नंबर फोर इज योर मालाबार। ठीक है, तो यहाँ पे फोर डिवीजन किया था हमने, गुजरात प्लेन, नंबर टू कोंकण, नंबर थ्री कन्नट, एंड नंबर फोर मालाबार। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ईस्टर्न घाट्स की तरफ, ईस्टर्न प्लेन्स की तरफ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ क्या होगा। बेसिकली दो ब्रॉड डिवीजन होगा। दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज योर कोरोमंडल कोस्ट। फाइन, इतना सिंपल सा है कि इस साइड में अरेबियन सी के साइड में वी मेड फोर डिविजन्स एंड टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल वी मेड टू डिविजन्स ओनली। अब देखिए जितने सारे क्वेश्चंस हैं इसको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे आंसर करने जा रही हूँ। एस्टुरीज कहाँ पाए जाते हैं? वैसे तो वेस्ट इधर पाए जाएंगे एस्टुरीज, एस्टुरीज, बट यहाँ पे भी आप चिल्का वगैरह का प्रेजेंस को ना नहीं कर सकते हैं। इधर भी आपका चिल्का वगैरह आया जाता है, पुलिकेट इन उड़ीसा, चिल्का इन आंध्र प्रदेश। ओके, एंड वी विल कम टू द डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं और क्या यहाँ पे पॉइंट्स बनता है। दिस इज अ ब्रॉड डिविजन बिटवीन द वेस्टर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न प्लेन्स। ओके, नंबर वन, वेस्टर्न प्लेन्स आर नैरो एंड अनइवन। इसका मतलब वेस्टर्न प्लेन्स क्या होता है? वेस्टर्न प्लेन्स होता है नैरो, छोटा, और अनइवन, इसका मतलब रॉकी, ज्यादा पथरीला होता है, यहाँ पे ज्यादा रॉकी होता है। फाइन, नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन कहाँ से कहाँ तक था? मुंबई से गोवा तक, मुंबई से भी ऊपर से, बेसिकली गल्फ ऑफ खम्बट से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस पार्ट इज योर कोंकण प्लेन विच विल बी मोर ऑफ रॉकी अगेन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेंट्रल स्ट्रेच या फिर बीच का जो पार्ट था, गोवा के बाद का जो पार्ट था, आफ्टर गोवा, आफ्टर गोवा, दिस पार्ट आफ्टर गोवा इट विल बी नोन एज कन्नट प्लेन्स, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को क्या बोला जाएगा? मालाबार कोस्ट बोला जाएगा। मेन फीचर यहाँ पे क्या होता है? एस्ट्यूरीज एंड बैकवाटर्स, शोभा सिंह वाटर एस्ट्यूरीज। एस्ट्यूरीज वो होते हैं, देखिए एक नदी है वो जा रही है और यहाँ पे समुन्द्र में जाके मिल रही है, ठीक है, जो जंक्शन हो गया ना, जो जंक्शन हो गया बिटवीन दिस रिवर एंड दिस ओशियन, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिल रही है, दिस पार्ट इज नोन एज एस्ट्यूरी, वेयर फ्रेश वाटर इज मीटिंग विथ योर सॉल्ट वाटर, दिस इज नोन एज योर एस्ट्यूरी। अब क्योंकि वहाँ पे एस्ट्यूरी फॉर्म हो रहा है इसलिए वहाँ पे बैकवाटर्स भी होगा, इसलिए वहाँ पे बैकवाटर्स भी होगा विच इज सॉल्टी बट नॉट एज सॉल्टी एज द ओशन वाटर। समझ में आ रहा है? फ्रेश वाटर, उसके बाद जहाँ पे ज्वाइन हुआ दैट होल एरिया इज नोन एज एस्ट्यूरी, और जो वाटर आप वापस आ रहा है, इस तरीके से आप याद रखिए, सो नॉट एज सॉल्टी एज द सॉल्ट वाटर बट सॉल्टी। फाइन, आगे बात करते हैं अबाउट द ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स आर बेसिकली वाइडर बट लेवल्ड, इसका मतलब बराबर, ज्यादा पथरीला नहीं होता है, ज्यादा रॉकी नहीं होता है। अब नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्थ सरकार एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। अब नदी कौन कौन सा जाता है? ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चिल्का उड़ीसा में, ओडिशा जो अभी नाम हो गया है, और पुलिकेट एंड कोल्लेरू इन योर आंध्रा। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक्स आपको यहाँ पे याद रखना होगा। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चार अलग अलग क्वेश्चंस में डिवाइड हो सकता है, अबाउट बैक वाटर, ब्रैकिश वाटर आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इन लेक्स के बारे में बात किया जा रहा है, कौन सा लेक कौन से लोकेशन में है। तो चिल्का तो आपको याद रखना ही रखना है, सॉल्ट वाटर लेक्स में सबसे बड़ा लेक है आपका चिल्का, सो चिल्का का लोकेशन क्या है? उड़ीसा। वुलार लेक फ्रेश वाटर में, तो यहाँ पे लोकेशन क्या हो जाएगा? कश्मीर। पुलिकट का लोकेशन क्या हो जाएगा? पुलिकट तमिलनाडु।
और सांबर का लोकेशन क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इसके साथ जो बेस्ट ऑप्शन जाता है, वेरी गुड नितिश, प्रिया, अनुराधा, ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फाइन, वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट, इस डायग्राम को दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कितने हमारे पास कोस्टल स्टेट्स थे इंडिया में, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीन हुआ, नंबर फोर कर्नाटका, नंबर फाइव केरला, नंबर सिक्स तमिलनाडु, नंबर सेवन आंध्र प्रदेश, नंबर एट उड़ीसा एंड नंबर नाइन वेस्ट बंगाल, मीन्स टोटल नाइन कोस्टल स्टेट्स। अब जो तीन डिवीजन किया था, वापस से उन तीन डिविजन्स को जल्दी से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर वन डिवीजन इज योर गुजरात प्लेन्स, नंबर टू डिवीजन जो यहाँ गल्फ ऑफ खंबाट से गोवा तक था, नंबर टू इज योर कोंकण कोस्ट, नंबर थ्री गोवा के बाद जो आपका मैंगलोर तक का डिवीजन है दैट इज योर कन्नड प्लेन्स, एंड नंबर फोर जो लास्ट पार्ट है दैट इज योर मालाबार, अप टू कन्याकुमारी लास्ट पार्ट इज योर मालाबार। राइट हैंड साइड में चलते हैं, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बात करें, दिस इज नॉर्दर्न सरकार नंबर वन एंड नंबर टू इज योर कोरोमंडल कोस्ट। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच वन डू नॉट हैव एनी मैरिटाइम बाउंड्री, मतलब इस डायग्राम में कौन सा ऐसा स्टेट था, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका कोई समुंदरी बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई समुंदरी बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुजरात के पास मैरिटाइम बाउंड्री है, इनफैक्ट गुजरात हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो तो हो ही नहीं सकता। सही आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर सी दैट इज राजस्थान। राजस्थान के पास समुंदर के साथ मिलता हुआ कोई इलाका नहीं था, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी आर ओके, वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पालघाट, पालघाट पास भी बोला जाता है, तो यहाँ पे कौन से दो स्टेट्स को ज्वाइन करता है ये आपको बताना है। इसको बोला जाता है, चलिए ऑलरेडी मुझे कुछ लिखना था, मैंने बट अंडरलाइन कर दिया, सो ऑलरेडी द आंसर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सही आंसर क्या हो जाएगा, केरला एंड तमिलनाडु को ज्वाइन करता है पालघाट जॉइन और पालघाट पास, इसीलिए इसको गेटवे टू केरला भी कहा जाता है, या फिर गेटवे टू केरला भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। कोंकण ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, अप टू गोवा क्या बोला जाता है, कोंकण बोला जाता है, ठीक है। गुजरात प्लेन, उससे भी ऊपर गुजरात प्लेन। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे था, यहाँ पे जो आपका दो डिवीजन था, साउदर्न पार्ट इज योर कोरोमंडल कोस्ट, तो मलाबार कोस्ट यहाँ नीचे वेस्टर्न घाट्स। सो नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर डी, दिस थ्री आर इन द वेस्टर्न घाट्स, जो बच गया सी दैट इज इन द ईस्टर्न घाट्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए सारे डायग्राम्स से, सारे तो मैप से ही आंसर्स बन रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है ये आपको बताना है। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, हल्दिया, हल्दिया तो कहाँ पे है, कोलकाता में है, इधर कोलकाता में है। कोची कहाँ है, इधर कोची, ठीक है। कोची तो अपने आप एक लगून में ही बना हुआ है, ओके दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लगून। नेक्स्ट यहाँ पे पारादीप पोर्ट एंड कांडला पोर्ट, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न साइड में कौन है, ईस्टर्न साइड में जो पोर्ट्स है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, पारादीप एंड हल्दिया, पारादीप एंड हल्दिया दोनों ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी दैट इज पारादीप एंड हल्दिया। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कांडला, ये आपका इधर है, इधर गुजरात में, ठीक है।
तो ये वेस्ट हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ कोची इधर है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। कांडला अगेन इधर हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 2000 में एसएससी स्टेनोग्राफी में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में गुजरात है ही नहीं, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। गुजरात ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। गुजरात के बाद नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट का है? नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश का। तो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑप्शंस, सिंस गुजरात इज नॉट मेंशन, योर आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, लेकिन अगर यहां पे गुजरात होता आंसर क्या हो जाता? गुजरात हो जाता। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरला इज नोन एज, केरला में जो कोस्ट आपका बिलोंग करता है यहां पे केरला में, उसको क्या बोला जाता है? देखिए कितने सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं सिर्फ एक ही मैप को याद रखने से। केरला में कौन सा कोस्ट बोला जाता है? अगेन गोवा से ऊपर कोंकण, मालाबार, यहाँ मालाबार, कोरोमंडल, दिस साइड कोरोमंडल, और कन्नट कोस्ट या फिर कनारा कोस्ट अगर आप बोले कन्नट के बारे में, देन गोवा से नीचे यहाँ पे कन्नट। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस केरला में कौन सा बिलोंग करेगा? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालाबार कोस्ट। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। द कोस्टल ट्रैक ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पे जो पड़ेगा इसको क्या बोला जाएगा? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर्स ऑलरेडी, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब ऑप्शन में एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में कोरोमंडल भी है और ईस्ट कोस्ट भी है और पूछा गया आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो आप इसमें किसको टिक लगाएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। ऑप्शन एज इट इज आपके सामने है क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल होगा या फिर ईस्ट कोस्ट होगा। देखिए जो इनिशियली एसएससी ने आंसर की दिया था उसके तहत जो आपका यहाँ पे आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर कोरोमंडल कोस्ट। सिर्फ ईस्ट कोस्ट बोलने से क्या होगा? जब एग्जैक्टली कोरोमंडल कोस्ट दिया हुआ है देन यू हैव टू मार्क कोरोमंडल कोस्ट, जो ज्यादा नियरेस्ट है उसको आंसर करना है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑन प्लेन्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लेन्स देन डू आस्क मी नाउ बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस राइट नाउ। जो टॉपिक आज हमने यहाँ पे कवर किया है अबाउट प्लेन्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई विल आंसर टू देम। जितने लोगों ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया था, जब आपको एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, जब आपको एग्जैक्टली कोरोमंडल कोस्ट मेंशन है, देन यू हैव टू आंसर दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जल्दी से यहाँ पे कोई डाउट होने से ईस्ट मींस, देखिए ईस्ट और वेस्ट जल्दी से यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं, दिस इज वेस्टर्न पार्ट, दिस इज ईस्टर्न पार्ट। अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट्स के बारे में बात करें, देन दो डिवीजन हमने यहाँ पे किया था, और अगर हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करें देन यहाँ पे चार पांच में डिवाइड किया था। अबाउट द सी, यहाँ पे अरेबियन सी होगा और यहाँ पे होगा बे ऑफ बंगाल, सो दैट पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंग्रोव्स क्या होता है? अगेन दैट पॉइंट इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंग्रोव्स फ्लोटिंग रूट्स के प्लांट्स होते हैं, दोज आर नोन एज मैंग्रोव्स। लगून एंड डोआब, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सेपरेटली लगून क्या होता है और डोआब क्या होता है। फाइन, लगून सी, लगून एंड डोआब इज एज सिंपल एज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दैट इज योर डोआब। अगर हम लगून के बारे में बात करें तो जो आपका एस्ट्यूरीज होगा, मतलब जहां पे फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर या फिर सी या फिर ओशन में जाके मिलेगा, तो जो पूरा एरिया होगा दैट विल बी योर एस्ट्यूरीज। जहां एस्ट्यूरीज होगा वहां पे खारा पानी भी होगा, जहाँ एस्ट्यूरीज होगा वहाँ पे खारा पानी भी होगा। तो खारा पानी होने से क्या होगा? खारा पानी होने से जब वो वाटर वापस आता रहता है, तब यहाँ रास्ते में क्या बनेगा? आपका बैक वाटर बनेगा। बैक वाटर, बैक से याद रखिए सॉल्टी होगा। ओके,
So that is the main difference. Lagoons will be formed and estuaries will be formed. That is the junction between fresh water and salt water. Ab yahan pe about P waves and S waves, Anuradha, though I have already discussed it in lithosphere, P waves jo hai solid, liquid and gas, teenon se pass hota hai, lekin solid mein iska speed kya ho jata hai, increase ho jata hai. Okay, so that is basically a topic from lithosphere ke baare mein hum log yahan pe discuss kiye the, tab iske baare mein bataye the aapko. Aur agar hum S waves ke baare mein baat kare, then S waves will not travel in your S waves solid mein travel karega, theek hai, solid mein S waves travel karega, liquid mein travel nahi karega. Okay, is there any other doubt? Do rivers, dekhi, eastern ghats mein beach banata hai. Okay, eastern side mein, for example, aap yahan pe marina beach hoga eastern ghats ke bare mein agar aap baat kare, aur western ghats mein agar aap baat kare to yahan pe basically waterfalls hoga, yahan pe waterfalls hoga. Do not worry, we will discuss them in great details when we'll talk about the plateaus and when we'll talk about the western ghats and eastern ghats, so don't worry. And yes, all the terms are important. Kya yahan pe aur koi doubt hai? It's all the doubts, most of the doubts that you are asking has already been discussed. Then you can re-watch the video again, so that will clear out the doubts. Is video ko dobara se aap dekhiye to aapko bilkul samajh mein aa jayega, kyunki ye jo points discuss hua hai wapas se main usko nahi utha rahi hu. Agar koi fresh point ya fir fresh doubts yahan pe hai jo discuss nahi hua hai, then I'm definitely picking them up. Okay, about science class and about the economics class, don't worry, those classes will be coming up soon. Fine. Chinmay, is there any other doubt? Island made by Brahmaputra. Okay, Majuli. Chinmay, Majuli is the island made by Brahmaputra, which is the largest island with respect to your river island. That is the largest river island jahan pe log rehte hai. Okay, I hope your doubt is clear. Is there mushroom rocks kidhar milta hai? That is again already discussed. Rajasthan mein aapko mushroom rocks dekhne ko milega. Fine. Gomti city and Gomti river. River is nadi. River is nadi. So Gomti is basically a tributary of your Ganga river. Okay. Yes, fine. Since that is that's all. Yes, Brahmaputra mein hi hai Majuli island. That is also the status of a district. Okay. So that's it. We are ending up this session here. यहाँ पे हम इस session को end up कर रहे हैं. About the state, yes, Assam will be the state. I am ending up this session here, and do not worry about the economics, polity, and science classes. And thank you so much for appreciating this class. Do not forget to hit the like button before you leave, and subscribe and share the video in all the social platforms that you are associated with. And if you have any doubt, then do not forget to comment, because I will definitely clear all your doubts. Okay, so yes, that's it for today. Thank you so much for watching, and here, your success is our success. Thank you.